इस देश में अगर रहना है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके तो मैनेज करना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए कि सारी चीजें हम ही लोगों के ऊपर हो रही हैं। अच्छा, कोई भी नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, स्वार्थ कोई नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, महंगाई तो चरम सीमा पे है। अगली बार जो है इनका सफाया हो जाएगा। हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। गाँव की सड़कें देख लो, घुसा नहीं जा रहा, बात जो कुछ है सिटी की सड़क सही है, अंदर गाँवों के तो बहुत हालात खराब है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सदर आलम खान। हम बात करेंगे संत कबीर नगर के 62 लोकसभा क्षेत्र का, जो 5 विधानसभाओं से लैस है। इन 5 विधानसभाओं में अगर समीकरण की बात की जाए तो जिसमें सबसे ज्यादा वोट माइनॉरिटी का आता है, उसके बाद जो है इसमें SC OBC निर्णायक भूमिका में है। अब देखने वाली बात यह होती है कि 62 लोकसभा क्षेत्र में अब की बार किसकी सरकार होगी और किसके सर पे ताज होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि 62 लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती है, जिसमें 312 विधानसभा मेहदावल क्षेत्र है, जो ये सबसे ज्यादा अगर माना जाता है तो इसमें माइनॉरिटी और दूसरी अगर सबसे बड़ी जनसंख्या देखा जाए तो इसमें निषाद बाहुल्य है। निषाद बाहुल्य में जैसे कि यहाँ पर दो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के हैं, पप्पू निषाद, और दूसरा जो है 5 साल पहले भी वो जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं परवीन निषाद। परवीन निषाद दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। हम जो है ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है संत कबीर नगर जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पर पहुंचकर वहां पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सदर एरिया छोड़ने के बाद जो है गांव में जो विकास के मुद्दे पर जो बातचीत हो रही है कि विकास हमने पूरी तरीके से विकास किया क्षेत्र में, और योगी और मोदी के विकासों को गिनाकर उनको जो है वाहवाही बिटोरी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो है निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनकी पीड़ाएं इतनी है कि वो लोग जो है अपने आप में क्या कुछ बखान कर रहे हैं कि क्या पार्टी को लेकर जो बातें हैं। चाचा एक बार और बात कर लिया जाए, क्या नाम है आपका? बोल रहा हमारे बोले ना आपका हमसे बोल नहीं, बोलने वाली बात नहीं है, जो वो जब कुछ कहे ना आया तो कहो कहीं कुछ कहे ना आया होता। परवीन निषाद के बारे में कुछ बताएंगे ना? कुछ ना बताए, नहीं बताएंगे, नाराजगी बड़ी ज्यादा है। वो ही काल बटन की मतलब जितना जनी है काल बटन की सत्ता पक्ष के प्रभाव में आके बोलत बटे या विपक्ष में आके बोलत बटे, ऐसा बा का कुछ? हाँ ऐसा क्यों कहे, एक विपक्ष में थोड़ो है कि हमें कह बांधने वाला शरीर। आवास वास मिलल भाई है आपके? नहीं हमें ना मिलल, नहीं मिलल बा, कहते हैं हमने तो दे दे ली आवास। अरे दे पाए हो तो कहे दहले धरवे मिल गया है आवास मिला। लेकिन इधर बीच में जब से चुनाव आया उस बीच में कहीं परवीन निषाद दिखे? यार भाई कौन भेजा दिया आप कह रहे थे एक बार आए थे यहाँ बाढ़ आई थी तो कह रहे थे नाले का पानी आई लाल सब भाई आई लाल अरे साल भर हो गई साल भर हो गई हाँ। कुछ विकास विकास कहले हैं? अरे विकास तो बहुत कुछ कहले बात है अब वैसे क्या कहे थे भाई कितना कितना आवाज डाली हो खंडा जब बाढ़ जब गांव में पानी हले लगल तब खंडा किनारे किनारे की हवा होता है। चलिए कुछ महिलाएं हैं, वो उन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द जो है महिलाओं को होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या नाम है आपका? हमार नाम होगा उर्मिला। उर्मिला जी दुकान आपकी है? हाँ। अभी बिजली के बारे में क्या कह रहे थे? बिजली के बारे में बिल भाई 18,000 के छूट दिया जब ठीक रहा। अच्छा परवीन निषाद यहाँ पर आते हैं? नहीं परवीन निषाद नहीं आते। नहीं है ना। आप भी निषाद हैं? हाँ मैं निषाद हूँ। क्या लगता है कि अब की बार फिर ये निषाद ये आपकी साइकिल जाए? साइकिल जाए एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट साइकिल जाए। गलती क्या है? गलती का है ना बात, जब कुल महंगाई डाल देते घूम घूमा के ले लेते बाटे तो कौन फायदा बा बाबू ने दे लियो 5 किलो चावल दे के बाला दे के गाड़ मार देते बाटे तो कहे ना। अब जब हरदी 1 रुपया में बिकात रहा 2 रुपया लेते बाटा तब मने का फायदा पाई है दुकानदार। ये कहत बाटे कि मछुआ समुदाय के जो निषाद लोग हैं उनको हमने बहुत कुछ दिया है। अरे दहले है आइए छीली ना करवा तब ठीक बा। अच्छा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आइए पतरा दाई के जिए खात बाटी और आवास आवास दे ले कुछ ना दे ले। आवास नहीं मिला? नहीं। शौचालय? शौचालय ना हाँ शौचालय मिला। शौचालय मिला
मिलल में पांच ईटा जोड़ के पांच ईटा जोड़ सालों भर के। चलिए दादी है यहाँ पर और जानने की कोशिश करें। दादी कुछ मिलल नहीं फूलमती निषाद है। आप हरिजन पार्टी के? अच्छा ये बता हरिजन में तो हरिजन या जात विशेष से तो कोई मतलब है नहीं, विकास तो हर एक वर्ग का होना चाहिए क्योंकि हर कोई वोट करता है। अपना होना चाहिए तो हर होता है। हम नहीं मैंने ये बताइए कि अभी तक आप लोगों को कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। आवास मिला? कुछ नहीं, कहा था चला देखल जा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बढ़ावे ले तो हमारे बगल में बाटी। अरे कुछ आप भी बताए तो बताई रहे हैं कि हमको आवास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं आई बा यहीं से चल जाबा, चमरौती में बराबर नहीं करबा। स्थिति बहुत खराब है सबका। हमारा तो हमारे पानी उदहिला जबर से लागल। देखिए जो विकास के दावे हो रहे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं मेहदावल क्षेत्र में फेल होते नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अनिल त्रिपाठी हैं और सांसद भी तो भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ जो तीन विधानसभा ऐसे हैं कि जिन तीनों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का ही राज है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो खासा तकलीफ है कि उनके वहाँ विकास नहीं और बस 5 किलो राशन देकर सारा काम चला लिया जाता है। हम जानने की सामने एक और चाय की दुकान है, चाय की दुकान है इसलिए जो है चाय की दुकान पर लोग बैठते हैं और जानने की कोशिश तो जरूर की जाएगी कि इस बार मालर नहीं मिलता था। हाँ क्या हमारा जीवन नहीं बीतता था? बिल्कुल बिल्कुल सही है, लोग मेहनत करते थे। काल में हम लोग किसान है, किसान हो जाते हैं। बोलिए अब। अच्छा ये बताइए कि ये गाँव कौन सा है? धौरापार है। धौरापार तो चाचा धौरापार में नाम क्या है? हम नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, वैसे बोलिए। अच्छा वैसे ही बोले। सर पे जो है गमछा रखा हुआ, इसे लगता है कि मतलब भारतीय भारतीय जनता पार्टी नहीं, नहीं। प्रबल। हाँ हेलो। हाँ हम जाते हैं बाबा धाम। अच्छा। ये गमछा रखा हुआ। अच्छा हाँ। इस बार कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? किस तरह? हम किसी नहीं चाहते। अच्छा हम जब मजदूरी करेंगे तब हमको आप पैसा देंगे। जी जी हाँ जी आ गया आपके समझ में। बिल्कुल मजदूरी करेंगे पैसा मिलेगा, लेकिन मजदूरी का भी क्या पूरा पैसा जितना आपका हक होता उतना मिल जाता है आपको? हमको नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो हाँ। आखिर अपनी बातें कहने के लिए कैसे आदमी को चाहते हैं कि जो आपकी बातें सुने समझे? और आपको देखिए हम अपने खेत में कोड़ेंगे, अनाज उगाएंगे, बस हमको यही चाहिए। सरकार से कासा नाराजगी लग रही है आपकी? हमको सरकार से नहीं, सरकार का खेत है ले ले कुल। किससे नाराजगी फिर है? हम तो किसी नहीं नाराजगी है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं मिलता था? हम ऐसा नहीं, हम न किसी के न बन के रहेंगे। इनका कहना है कि किसी के है नहीं ना किसी के बन के रहेंगे। और एक युवा है, क्या नाम है बाबू? बबलू। कहाँ पे घर है? मऊ। मऊ है, मऊ के रहने वाले हैं। अच्छा यहाँ क्या करते हो? रिश्तेदारी में। अच्छा चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वामीनाथ। स्वामीनाथ निषाद है? हाँ निषाद है। चाचा हम आपके वहाँ आए हुए हैं आपका हाल जानने के लिए। जो सांसद विधायक बैठिए आप बैठिए। जो सांसद विधायक और नहीं आते, हम मीडिया कर्मी आए हुए हैं हाल जानने के लिए। अब की बार जो है आप लोग किस चीज को लेकर वोट करेंगे, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? मोदी को। मोदी को? मोदी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ। योगी को नहीं, ना योगी भी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ परवीन निषाद लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं चुनाव परवीन निषाद को आपने देखा है? हाँ देखे हैं। अब देना है भाजपा कमल पर चाहे जो हो सहाय। अच्छा सीधा डायरेक्ट कमल? डायरेक्ट वैसे वैसे खासियत कुछ है कमल की? खासियत है? अब खासियत क्यों नहीं है, हाँ बहुत खासियत है। अल्लाह झगड़ा से दूर है, जनता सब शांत है, अपना खा कमा रहा है, अपने खेती बाड़ी में लगा है, रोजी रोटी आर्मी में लगे हैं सब।
जो सरकार की योजनाएं मिलती है वो पहुँच जाती है। हाँ मिलता है, पैसा मिलता है, खेत का पैसा मिलता है साहब, पैसा मिलता है। इनका मानना है कि जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके दर तक पहुंची हुई है, उन्हें सब मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं बोला हमसे। अच्छा ये कुछ नहीं बोलेंगे फिलहाल जो है न्यूज वर्ल्ड, अब इसके बाद आगे चलकर आपको जमीनी हकीकत दिखाएगी, बने रहिएगा। ऐसे तोहरे ऊपर राज के लिए कुछ के बाद मिले कोनो संभावना है बचाला सब? अरे बाबू पहले नहीं, वो तो ये कहते हैं कि निषाद बाहुल क्षेत्र है, ये निषाद बाहुल क्षेत्रों में हमने खजाने का मुंह खोल दिया, जो जैसा चाहे, चाहे मछली का पालन का काम कर ले, चाहे वो कर ले, बिल्कुल करते हैं, करते हैं। आवेदन मिले खाती की नहीं मिले खाती ना बाबू, गरीब ना पाए, अरे पांच कोठी ना उपाय। अच्छा पांच कोठी वाले कोठी पहने हैं और गरीब लोग ना पाए, ये तो कहा हम गरीबन के सबसे ज्यादा दिए, सबसे ज्यादा अपने निषादन के दे दिए। अरे तुम क्या बेचा है ना बाबू भाई, दिए वही है अधिकारी है, घूस घास पे अपन लिए है। अधिकारी घूस लेते हैं क्या? अरे बोले देखो है उसे के राम राज चालू हो गया कैसे अधिकारी घूस ले रहे? अरे दुनिया वही पर है बाबू, बंद ना हो चाहे पृथ्वी भगवान आ जा घुसवा बंद ना हो। इनका तो कहना कि भ्रष्टाचार धरती से खत्म हो गया, राम राज चला, हमने राम को ले आया है, और जो है भ्रष्टाचार जो धन ले आए ने अब हमारे जाप नहाए तो गोड़ धाई ले बस आखिर जो धन ले जाप तब राम मिलिए कि गंगा ही धौरा पार में मिली कहीं गंगा ही धौरा पार में तो विकास आई। अरे विकास तो अलग है, यही फूलन देवी की मूर्ति कहने लग पाई, यही बात बगल लिए गए क्योंकि नहीं हो मूर्त बैठ जाए बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है फूलन देवी के यही मारे बैठना दी। ये तो आपके केवटे ही का तो लड़का यहाँ पर सांसद था, काहे नहीं कुछ आप भाई ये बड़का मालिक बहू ऑर्डर दे तब तो बैठी बड़का मालिक तो संजय निषाद है उनके ओकरे माने कुछ ना ओकर चल हो तो बैठी हो कहो सदस्य का करी जब मुख्यमंत्री ऑर्डर दे तभी बैठेगा। यानी कि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं संजय निषाद को? वो संजय निषाद हरदम आवत रहे देखत है वही सुतल जैन पूरन देवी लौकत भाई लौकत भाई अब न बैठो न सही वही भाई है और पूरा भारत मन देखत है हाँ बैठल है नीच पार्टी बैठा दे तो बेइज्जती हुई और जनधारी बैठा दे तो बढ़िया हुई। नीच पार्टी के बैठा दे तो पांच साल तक आपका ही बेटा आपका भाई रहा है तो होना तो चाहिए था ना करें तो क्या करे तो अब की बार दो निषाद हैं, एक आपके पास का है और एक कहाँ का है दूसरा? गोरखपुर का। तो क्या गोरखपुर वाला चाहिए कि खैलाबाद वाला? जी के भगवान देव ले ही हमें कौन बात ही है भगवान आपकी भगवान तो जनता है हाँ। जीती क्यों जानत ना भीतरी खाल हाँ। ना ये तो है भीतरी खाल ना जानत बा क्यों लेकिन मन का बने परिवर्तन की हुए पूरन नए का पूरन का भाई हमना कुछ जानते है उनके हाल के हमारा जानते के जीती के सरकार बनी बाकी आशा भा की मोदी सरकार बनी है और के बनी। देखिए आशा जो है मोदी सरकार का है, यहाँ पर काफी लोगों की जो है आस्थाएं लगी हैं, परिवर्तन का भी मन बना हुआ है लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। चाचा क्या नाम है आपका? निर्मल। कहाँ के रहने वाले हैं ये? हाँ। निषाद हैं आप भी? हाँ, निषाद हैं। अच्छा चाचा ये निषाद बाहुल है, यहाँ पर निषादों के लिए क्या योजनाएं चली, कुछ मिला आप लोगों को? बहुत कुछ मिला, सड़क बना, सड़क बन गई और दूसरे नंबर बिजली लग गए, गैस मिल गए, राशन फ्री मिलत है, अब ऐसे बढ़ के काश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बात तो दो दो निषाद मैदान में है। हाँ। कौन निषाद राती पार रहे वाला बाटे एक टू आपके खैलाबाद के का मन मना उनका परवीन निषाद, परवीन निषाद का मन है आपका? हाँ। अब की बार फिर दोबारा सरकार। हाँ। और कुछ खासियत है यहाँ फूलन देवी का वो बना हुआ था? नहीं वो कुछ नहीं है, हमको नहीं जब मालूम है, नहीं कहीं। फूलन देवी का यहाँ पार्क बनना था ना, उनकी मूर्ति रखी हुई लगी? हाँ फूलन देवी की मूर्ति रखी है, अभी नहीं खड़ी हुई है। क्यों, कारण क्या था? अब कारण वो हमारे बाबू जी होशियार हुई है बता पाई, हम बजगवा राज में का बताए। हाँ निर्मल बाबू भाई सड़किया बताए थे 15 साल से मैं गाँव। अरे तो बाबू जी पड़ल बा सुन ले, ये तो आज के हम पहले बहुत जब इतना भाग। चलिए ये मुद्दा जो है ज्यादा विशेष नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो जरूरतें थी वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं
ये जो है जानना है, एक युवा हमारे साथ है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर काफी मिले जुली प्रक्रिया लोगों की रही। तुम युवा हो और कहते हैं कि युवाओं के कंधे पर देश आगे चलता है, क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों ने जो जातिवाद की राजनीति की अपने अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, ये सटीक बैठता है यहाँ? नहीं, वो तो अब की बार तो राबती पार। क्यों आखिर 5 साल तक तो उन्होंने जो है वो 5 साल आए भी नहीं है। या नहीं आए 5 साल? हमेशा ये लोग ये कहते हैं भाई पद है सांसद का पद है तो वो लोग हमेशा विधानसभा लोकसभा की बातें होते हैं, हमेशा दौड़ना धूपना होता है, तो कैसे क्षेत्र में आना मुनासिब होगा? इनके राज में केवल युवा के ऊपर मुकदमा हुआ है और कुछ नहीं। इनके कार्यकाल में जब यहाँ पप्पू निषाद थे तो नहीं होता था मुकदमा निषादों के ऊपर, इनके राज में हो रहा है। इनके राज में मुकदमे हो रहे हैं? कितने युवाओं के ऊपर मुकदमे हुए? बहुत हुए हैं, जाके पता कर लीजिए, बहुत हुए। ज्यादातर कहते हैं कि हमने निषादों के लिए सारा काम किया है, तो निषादों को कुछ मिला? इनके पार्टी में दलाल बहुत ज्यादा है, क्या मिलेगा? यानी कहना सिर्फ है, करना कुछ नहीं? कुछ नहीं, दलाल इनसे मिलने जाइएगा आप तो वहाँ पहले दलाल से मिलना पड़ेगा, उसके बाद आगे। वो तो अपना नंबर कहते हैं हमने बांट दिया है, लोग जब चाहे तब फोन करें, फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, जो फोन उठाएगा उसका झंडा उठाएंगे। अच्छा, यानी कि जो झंडा उठाएगा उसी का फोन उठेगा, जो झंडा नहीं उठाएगा उसका फोन नहीं उठेगा? यानी निषाद होने का मतलब उनकी पार्टी का मेंबर हो तभी? ओ, जीतने के बाद किसी को नहीं याद करते हो, यहाँ बाढ़ आ जाता है वो बोलते हैं नाले का पानी है, किसी को मुआवजा भी नहीं मिलता, मुआवजा भी नहीं मिलता। बातें तो बहुत बड़ी है, केवल कहने की बातें हैं, जुमला है सर। देखिए बहुत सारी बातें हैं, अभी एक युवा है दबी जवान में तो सारी बातें कह रहा है कि अगर उनसे बात करने के लिए अगर उनके पार्टी का मेंबर है तभी बात हो पाएगी, लेकिन वो भी अगर जरूरत पड़ने पर फोन किया जाए तो फोन उठता भी नहीं। हमारे साथ एक, क्या नाम है आपका? जोगिंदर। जोगिंदर आप भी निषाद हैं? नहीं, गुप्ता। गुप्ता हैं। जोगिंदर जी अब की बार चुनाव आने वाला है, चुनाव 5 दिन के यानी 4 दिन ही बचा होगा, 4 दिन के बाद वोट पड़ेगा। आपकी कैसे कैसा सांसद चाह रहे हैं? सांसद पप्पू जैसा चाहिए। पप्पू एकदम डायरेक्टली पप्पू जैसा? क्यों, जो 5 साल थे उनका क्या? अरे ये तो आया था यहाँ, यहाँ बाढ़ आया था, कह रहा था नाले का पानी है, ऐसा सांसद रहने से क्या फायदा है? हालचाल लेने नहीं आता? अरे वो तो मरने पर किसी ने पूछना आता, हालचाल क्या लेने आएगा। आखिर इतनी नाराजगी किस बात को लेकर है कि यहाँ आते नहीं? अब वो अपना जब आज टाइम है तो आया हुआ है, जब टाइम खत्म तो जाओ गोरखपुर मिलो उनसे, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा गोरखपुर मिलने, जा सकता कोई? यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। हाँ, क्यों नहीं, देख रहे हो सब कुछ व्यवस्था है, रोड पर बच्चे घूम रहे हैं पढ़े लिखे, नौकरियां नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, इनके राज में क्या मिल रहा है? लोन दे रहे हैं ना, लोन तो लोन लेंगे नहीं क्या वापसी? वापसी लेंगे नहीं, कह रहे कि हमसे जितना चाहो उतना लोन। अरे तब लेंगे नहीं तो वापसी, 10 रुपए तो मिल नहीं रहा, ये लोन देंगे तो काम करने के लिए कहते हैं काम करो, लोन ले लो काम करो। ये मैं गाड़ी ले रखा हूँ, इस पे कमर्शियल मीटर लागू कर रखे हैं, इनके रहने से क्या फायदा है? 2 पैसे दिन भर कमाए, लाइट का बिल भर के दे दो उनको, यानी लाइट का जो खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। अब की तो कह रहे हैं कि हम अब की जीतेंगे तो 5 साल, इनका तो ये ड्रामा है, 5 साल तक पावर हाउस बैठा देंगे। 10 साल हो गए इनको पावर हाउस बैठाते हैं, इनके जैसा झूठा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ है, बस इतना ही मैं कहना था। देखिए नाराजगी बहुत ज्यादा है युवाओं में, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ जुमला है। बात करते हैं जो समीकरण में सबसे ज्यादा अगर निर्णायक भूमिका में जिसको लिया जाता है 62 लोकसभा क्षेत्र में, वो माइनॉरिटी होती है, और ये जो अनसार टोला एरिया है यहाँ पर हम आपसे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस मुद्दे को लेकर जो है वोट करेंगे और क्या होगा यहाँ का समीकरण। अब की बार जो नारा लगा हुआ 400 पार कहाँ तक सही होता है? क्या नाम है सर आपका? अब्दुर्रहमान। अरमान जी चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में किस तरह से जो है अब की बार वोट होगा, क्या मुद्दा लेकर लोग वोट करेंगे? मुद्दा तो उसमें क्या बताया जाए, सारे मुद्दे ही हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें मुद्दे ना हो। अब मुद्दा जो है भाई बीजेपी गवर्नमेंट कह रही 400 के पार, और जो है इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अब की हमारी बारी है, तो कैसे तो, जैसे कि 400 पार का अगर नारा दे रही है सरकार, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी भी हमारे साथ है, क्या माइनॉरिटी भाजपा के साथ हो सकती है? माइनॉरिटी भाई इस देश में अगर रहना है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके तो मैनेज करना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए कि सारी चीजें हम ही लोगों के ऊपर हो रही हैं, क्योंकि अगर सबसे बड़े जो बदबूदार अगर है कोई तो माइनॉरिटी है,
नहीं माइनॉरिटी बदबूदार कैसे कर सकता है, 62 लोकसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा है, है। वो चाहे तो अपनी सरकार बना सकती, बना सकती है, लेकिन अब तो देखिए क्या मतलब जो है सोच क्या है, हर जो है भाषण में हर भाई मैं तो प्रिंट मीडिया ज्यादा देख पढ़ता हूँ उसमें, मतलब हमेशा जो है क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ नहीं, मैं नहीं चला नहीं पाता हूँ, तो छोटा मोबाइल मेरे पास है। और क्या लगता है कि जो 400 पार के जो नारे दिए गए वो 400 पार के नारे कुछ किसी तरह से सही होंगे? अब यहाँ तो नहीं सही होना है, यहाँ तो नहीं सही होना लगता है, माइनॉरिटी यहाँ तो नहीं सही होना है, माइनॉरिटी एक हो गई, माइनॉरिटी नहीं सब यहाँ एक है। तो आखिर क्यों नाराजगी किस तरह को लेकर है? सांसद ने पूरा विकास किया, एमपी साहब जाने 5 साल वो थे वो जाने, मंत्री साहब थे वो जाने, यहाँ तो नहीं होना है। नहीं अभी जो रिजल्ट बता रहा है, पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी है संत कबीर नगर में कि अब की बार जो है 400 पार वाला नारा और 1 लाख यहाँ से, लेकिन लोगों ने कह दिया राप्ती पार यही है, यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं है। क्या राप्ती पार अब क्यों, राप्ती पारे वो रहेंगे यहाँ नहीं? चलिए इनका कहना है कि अब की बार जो है राप्ती पार का मसला है, क्योंकि इस बार जो है कई नारे ऐसे निकले हैं कि जहाँ पर बोलेंगे आप, अब की बार जो 400 पार के नारे लगे हुए हैं उस 400 पार के नारे को लेकर कहाँ तक चरितार्थ होता है, लोग राप्ती पार के को लेकर है अब यहाँ पर सामने है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मसला क्या है वोट को लेकर, अब की कैसे वोट होगा? अब की यहाँ 62 लोकसभा क्षेत्र में अब की मतलब सब लोग एक तरफ से माइनॉरिटी वोट तो 100% में वोट बना लिया है, गठबंधन को देंगे, क्यों देंगे? उसमें कारण है, उसमें कारण इस तरीके का कि शिक्षा कोई भी नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, स्वास्थ्य कोई नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, महंगाई तो चरम सीमा पे है, महंगाई तो ऐसा है कि जो रोज डेली कमाने वाला खाने वाला आदमी है वो शाम को अपना 2 टाइम का खाना नहीं पा रहा है। ये अपना मुद्दा लेके आए कि 5 किलो हम राशन दे रहे हैं उसी पर हम जीत जाएंगे, तो ये लालीपॉप एक मरतबा चलेगा, बार बार नहीं चल पाएगा, एक मरतबा उनको देखा गया, 2 मरतबा देखा गया, माइनॉरिटी ने भी भाजपा को वोट किया है, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी भाजपा को वोट नहीं करती है, लेकिन वो मानते नहीं है, लेकिन इस बार साफ साफ माइनॉरिटी वोट नहीं कर रही है यहाँ। क्या ये नाराजगी योगी मोदी से है या आपके वहाँ के सांसद से? नहीं, हमारे यहाँ के सांसद से तो बहुत ज्यादा है नाराजगी, और हमारे पीएम है तो उनसे तो इतना नाराजगी नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं ये 5 साल के बाद ही नजर आते हैं, उसके पहले कभी नहीं नजर आए। कमियां क्या रही आखिर? कमियां ये जब आएंगे तब ना उन्हें हम बता पाएंगे कि क्या कमियां है, हमें क्या महंगाई है, हमको क्या दिक्कत है, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमको पानी मिल रहा है कि नहीं, तब हम बता पाए, मिलवे नहीं करते हैं वो कभी। उनका कहना कि अगर हमने किसी का बुरा ना बहुत भला नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया है तो वोट देने के लायक हम है? नहीं नहीं, ये तो उनका कहनामा गलत है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया ऐसा कि किस मुद्दे पे वो मांगेंगे वोट आगे। अब देखिए जहाँ जा रहे हैं गांव-गांव में वहाँ से लोग भगा दे रहे हैं उनको, अभी कैबिनेट मंत्री आए थे वहाँ गांव से लोग भगा दिए, उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, इस वक्त गठबंधन नंबर 1 पे चल रहे हैं। आखिर इतना विरोध जो है सांसद का क्यों होता है? क्योंकि जो अभी तक सारे लोगों का यही कहना है कि अब की 5 साल तक दिखाई नहीं दिए, जहाँ जाते हैं वहाँ से भगा दिया जाता है, आपकी क्या राय है? अरे हमारी क्या राय है, आप पहले से कह रहे हो कि 400 पार पुलवामा हमले में जो RDX आएगा उसका नहीं पता लगा पाए 400 पार का है, कैसी सरकार है? अभी किसी एयरपोर्ट पे चले जाओ तो एक चमन्नी लेकर नहीं आदमी जा सकता, तुरंत पकड़ा जाता है, और वहाँ RDX लेकर इतना 40 किलो लेकर पहुँच गए तो किसी को पता नहीं चला, अब आप कह रहे हो 400 पार, अरे कैसे 400 पार अपने मन से? नहीं अब की बार 400 पार का नारा ये लोग दे रहे हैं, बार 400 पार नहीं, अब की बार जो है हम आपसे भी बात, अब की बार जो है इनका सफाया हो जाएगा। हाँ, अब की गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की क्यों आखिर गठबंधन क्यों चाह रहे हैं? गठबंधन हम लोग चाह रहे हैं, अरे बदलाव होना चाहिए ना भाई, बदलाव तो होना चाहिए, हर 5 साल पे बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव तो अब की 10 साल बाद हुआ, 10 साल में इन्होंने क्या किया सिवाय गरीबी की कुछ दिया? 80 करोड़ लोगों को ये दाना दे रहे हैं, 5 किलो का भीख दे रहे हो, आप ही कह रहे हो गरीब हैं, तो सारे मलाल सरकार से हैं या आपके सांसद से? सांसद जी से भाई, सांसद जी अभी 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिए, अभी तक नहीं दिखाई दिए, ना इस मोहल्ले में दिखाई दिए, ना हमारे वार्ड में दिखाई दिए, ना यहाँ दिखाई दिए, आखिर इलेक्शन चल रहा है ना, उनको आना चाहिए, जनता में अपनी बात को रखना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कि भाजपा है भाजपा जीत जाएगी, उड़ दो, फिर VM बदल दो, है कर दो, यही चलता है,
देखिए विरोध जो है वो सरकार से नहीं, यहाँ के सांसद से है। इनका कहना है कि सांसद जो है वोट लेने के बाद 5 सालों तक क्षेत्र से गायब रहे। क्षेत्र से गायब होने के बाद उनकी समस्याएं क्या है वो जस की तस पड़ी ही रह गई। अब यहाँ पे कुछ युवा वर्ग है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मसला है। छुपने से नहीं काम चलेगा, आप इधर आइए, इधर छुपने से नहीं काम चलेगा। तबीयत नहीं सही है। चलिए एक लड़का था बोल रहा था, हाँ ये बताओ कि आखिर युवा हो क्यों आपकी बार कह रहे हो कि 400 के बाद हार, ऐसा क्यों? हम युवा है, हम कारोबार से जाते हैं, कोई कारोबार ही नहीं चल रहा, सब परेशान है, कोई भी धंधे में कोई बरकत है नहीं। बरकत नहीं है मतलब? हाँ मतलब चले, जब काम ही आगे से सब बंद है, स्पोर्ट सारे बंद है तो कहाँ चलेगा, सारी चैन सब एक दूसरे से चलती है। सब बाहर के आदमी आते थे, वो नहीं आ रहा कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने युवाओं को रोजगार के लिए खजाने का मुंह खोल दिया, बैंकों से कर्ज मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसा जो काम करना चाहे वैसा कर ले, कोई कर्ज नहीं मिलता है, कोई बैंक से कर्ज नहीं मिलता है, कोई बता दे मिला तो बताए। यहाँ के सांसद को देखे? नहीं कभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा। फिर कैसे अब की बार वो कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? अब की बार जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। कारण? कारण यही है, गांव की सड़कें देख लो, घुसा नहीं जा रहा। बात जो कुछ है, सिटी की सड़क सही है, अंदर गांवों के तो बहुत हालात खराब है, सब रोड कच्चे हैं, कहीं टूटा है, कहीं क्या है, बरसात में बहुत हालत खराब हो जाती है। आखिर सांसद प्रवीण निषाद का इतना विरोध क्यों? विरोध में जनता जो है सीधा, जो 400 पार की बारी आती थी, इसके बाद जो है लोगों ने राप्ती पार का नारा दिया और गांव-गांव से खदेड़ने की बारियां चलती रही हैं। फिलहाल जो है न्यूज वर्ल्ड इंडिया जो है इस मुद्दे को लेकर जो है लोगों के बीच पहुंची, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने देखी, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी वोट सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। इसलिए जो है हमने अंचार टोले के लोगों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि माइनॉरिटी के जो वोट है यहाँ पे सबसे अधिक है। अब देखने वाली बात होती है कि 2024 के चुनाव में जिस पे भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि अब की उनका फिर प्रत्याशी जीतेगा, अब उनके पाले में कैसे सीट आती है। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से।